मुंबई के मलाड में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के हाथों आरपीआई के नए कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मुंबई के उपनगर मलाड पूर्व की केशव हाइट्स बिल्डिंग के परिसर में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले के हाथों संपन्न हुआ, जहां पार्टी प्रमुख के साथ साथ आरपीआई के मुंबई प्रदेश सचिव एवं उत्तर भारतीय अघाड़ी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रमेश गौड़ और उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष हरिहर यादव ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कई नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। दरअसल युवा नेता और महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रमेश गौड़ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई भारी संख्या में दूसरी पार्टियों के लोगों ने बड़े जोश उत्साह के साथ आरपीआई में प्रवेश किया। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए आगामी मनपा चुनावों में आरपीआई को एक मजबूत संगठन बनाने पर जोर दिया, जहां उनको देखने और सुनने के लिए सैकड़ों युवा और महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। तो आज मतलब यहाँ ममालाड में आज यहाँ मालाड में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से जो उत्तर मुंबई जिला और उत्तर पश्चिम जिला यहाँ रहने वाले जो हमारे उत्तर भारत के लोग हैं, तो हमारे आरपीआई ने उत्तर भारत की भी नियुक्ति है और मुंबई में रहने वाले सभी उत्तर भारत के लोग जो है उनकी समस्या हल करने के लिए उनके ऊपर कोई अन्याय ना हो, उनके धंधे पानी पर कोई आज ना आए, इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी ने उत्तर भारत की भी शुरू की है। हुआ है, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। उत्तर भारतीय लोगों को न्याय देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी हमेशा कार्यरत रही है और उत्तर भारतीय लोगों को न्याय देना ही चाहिए, उनके ऊपर बिल्कुल अन्याय होना नहीं चाहिए। इसके लिए एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ और मेरे हाथ से आज यहाँ इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। भारी संख्या में उत्तर भारतीय लोग जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ, आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर क्या रणनीति? हमारे आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में उत्तर भारतीयों को हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देंगे। यहाँ जो उत्तर भारतीयों का क्षेत्र अच्छा है और कार्यकर्ता अच्छा है, वहाँ उत्तर भारतीय लोगों को मतलब हम टिकट देंगे, उत्तर भारतीय लोगों को मुंबई महानगर पालिका में भेजने की जो जिम्मेदारी हमारी है और उसके लिए हम काम करते रहेंगे। नवाब मलिक जी ने एनसीडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है, जिसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नवाब मलिक ने एनसीपी के कार्यालय पर सवाल उठाया है, हम एनसीपी के कार्यालय पर सवाल उठाते हैं। नवाब मलिक भी एनसीपी के लीडर है, हमारे अच्छे मित्र भी है, लेकिन एनसीपी उनको जो जानकारी मिलती है जहाँ जहाँ ड्रग्स लिया जाता है, जहाँ जहाँ ड्रग लिया जाता है या उसका स्मगलिंग होता है, वहाँ वहाँ एनसीपी की जिम्मेदारी एक बार उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और जो मतलब जो जहाज में जो कार्रवाई हुई नहीं है, एनसीपी को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और नवाब मलिक जी के जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसमें बिल्कुल सत्य नहीं है। अठावले साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उत्तर भारतीयों का प्रवेश बहुत तेजी से हो रहा है, जबकि जैसे महानगर पालिका के चुनाव में क्या उत्तर भारतीयों को आप उम्मीदवार बनाएंगे? उम्मीदवार जो पहले मैंने बोला है कि उत्तर भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जोड़ने की कोशिश हमारी चल रही है और जब जब उत्तर भारतीयों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई तब तब उस आवाज़ को दबाने का काम रिपब्लिकन पार्टी ने किया है और उत्तर भारतीय लोगों को पूरा समर्थन देने का काम हमने किया है। इसीलिए मतलब आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में उत्तर भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट हम देंगे और उत्तर भारतीय लोगों को मेरा निवेदन है कि सबसे ज़्यादा नजदीक वाली पार्टी अगर आपकी गुण होगी तो रिपब्लिकन पार्टी है, इसलिए आप रिपब्लिकन पार्टी में आइए और हम आपको पूरा न्याय देने का काम करेंगे। 8-9 लोगों की मौत हो, उसमें एक पत्रकार है, उसमें 45 लाख रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है और 50 लाख रुपया कांग्रेस वाले इस पर दे रहे हैं, इसके ऊपर क्या कैसी राजनीति आपको नजर आ रही है, इसके बारे में जरा खुला सकेंगे?
लगता है कि लखीमपुर खीरी में जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। किसान की भी मतलब किसान भी मर गए हैं, दूसरे लोग भी मतलब चार मर गए, एक पत्रकार भी उसमें मर गया है। इसकी पूरी जांच योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, इसके मतलब SIT के द्वारा इंक्वायरी हो रही है और पूरी जानकारी लेने का काम मतलब सरकार का करेगी। कोई भी हो मतलब उनको कड़ी सजा होनी चाहिए और जो मतलब ये उनकी के लिए जिम्मेदार है उनको मतलब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार की भूमिका है और जो भी कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। साहब आने इतना कि आपके उसमें कमेटी में कैसा चर्चा हुई है कि कितनी सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे मतलब या कितना मांग कर रहे हैं? 227 सीटें जो मुंबई महानगर पालिका में है तो इस वक्त BJP के साथ रिपब्लिकन पार्टी रहेगी और रिपब्लिकन पार्टी 30-35 सीट मांगेगी, उसमें से जितनी सीटें मिलती है उन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उसमें उत्तर भारतीय है, माइनॉरिटी के लोग है, दलित लोग है, बुद्धिस्ट लोग है और बाकी ब्राह्मीण लोग है, OBC है, मराठा है, ऐसे सभी जाति वर्गों को हम टिकट देने का काम करेंगे और रिपब्लिकन पार्टी को 30-35 सीट मिलनी चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। नवरात्रि मीडिया की तरफ से नवरात्रि के शुभ अवसर पर भारतवासियों को आप इस मीडिया जगत से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नवरात्र उत्सव के अवसर पर मैं यही मतलब हम सभी लोगों को मतलब बताना चाहते हैं, भाई नवरात्र उत्सव ये बहुत बड़ा प्यारा त्यौहार होता है और जिस तरह दशहरा आता है तो दशहरे में तो सोना जो होता है ये सोने का जो एक दूसरे को सोना बांटने का काम होता है तो अपनी जिंदगी सोने जैसी होनी चाहिए। हर एक आदमी को सोना खरीदने का मौका मिलना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको अमीर बनने की कोशिश मतलब हम लोग करेंगे और सभी वर्गों को न्याय देने का काम हम करते रहेंगे। तो इस नवरात्रि उत्सव के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को शुभकामना दे देता हूँ और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। कार्यालय ओपनिंग हुई है, उत्तर भारतीय भारी संख्या में आपके पार्टी प्रवेश हुआ। भारत सरकार के राज्य मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री आठवले साहेब, RPI उत्तर भारतीय अघाड़ी के कार्यालय का उद्घाटन आज उनके हाथों से हुआ और उन्होंने वादा किया कि आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में उत्तर भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने का काम करेंगे और उत्तर भारतीय समाज को न्याय दिलाने का काम आठवले साहेब बार बार करते हैं और महानगर पालिका के चुनाव में वो न्याय दिलाने का काम करेंगे। समता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय आधारित जो भारतीय संविधान, भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो दिया है भारत देश को, उस मार्ग पर चलते हुए आठवले साहेब सबको न्याय देने का काम करते हैं। आठवले साहेब के माध्यम से हम लोगों को मान सम्मान मिला है और देशवासियों को भी मान सम्मान मिलता रहा है। जहाँ भी जरूरत हो, अन्याय अत्याचार हुआ, वहाँ पहुँचने का काम सबसे पहले आठवले साहब करते हैं। जो ओपनिंग हुआ है यहाँ पे भारी संख्या में उत्तर भारतीय लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर भारतीयों का जो भरोसा है वो सिर्फ आज के तारीख में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले साहब ही हैं। सभी पार्टियों ने उत्तर भारतीयों को झूठे झूठे वादे करके गुमराह कर उनको अभी तक शोषण उनका शोषित किया है, उनका शोषण होने का काम हुआ है। उत्तर भारतीयों को लोग सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। उत्तर भारतीयों पे कोई भी पार्टी कभी भी हमला कर देती है और हमारे जो महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने तो पर प्रांतियों को लेके कानून ही बना डाला है। जैसे उनका आज है कि आज वो क्राइम में भी उनके लिए एक पर प्रांतीय है कि महाराष्ट्र का है उसमें भी वो भेदभाव करने लगे हैं, जबकि सच ये है कि बाबा साहब के हम मानने वाले हैं और हमने उनका संविधान पढ़ा है। हमको ये पता है जो क्रिमिनल होता है उसकी जाति सिर्फ क्राइम होती है, सिर्फ अपराध होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। तो जब ये चीज़ अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसा आता है कि पर प्रांतियों का हर पुलिस स्टेशन हिसाब रखे, उनका ब्यौरा रखे, तो यह बहुत ही दुख वाली बात है। ऐसे समय में अगर न्याय देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। हमारे उत्तर भारतीय अघाड़ी के मुंबई अध्यक्ष श्री हरिहर यादव जी मेरे साथ में खड़े हैं और इन्होंने आज एक कार्यालय का यहाँ पे एकदम जोरदार ओपनिंग किया है। अभी कुछ क्षण पहले ही आप लोगों ने देखा हमारे केंद्रीय न्याय राज्य मंत्री श्री माननीय नामदार आठवले साहब ने यहाँ पे उनके शुभ हस्तों से उन्होंने आज रिबिन काटा है और उत्तर भारतीयों का गौरव बढ़ाने का उन्होंने एक जबरदस्त प्रकल्प लिया है जो आप लोगों के सामने है। आने वाले दिनों में उत्तर भारतीयों को किस तरह पार्टी में सम्मान दिया जाएगा, टिकट में किस तरह से सहभागिता होगी?
उत्तर भारतीयों के सम्मान की बात है तो मेरा ये दावा है कि जो मान सम्मान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया देती है, हमारे आठवले साहब का जो गट देता है, वह किसी भी पार्टी में कहीं नहीं मिलता है। मैं ऑलरेडी 12 साल मैंने दूसरे पार्टी में था जहाँ पे जाति पाति को लेकर शोषण किया जाता था। मैंने 12 साल वहाँ पे अपना वेस्ट करके आज मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बाबा साहब का नीला झंडा अपने गले में मैंने डाला है और तकरीबन एक साल हुआ मुझे जिम्मेदारी सौंप कर। अभी तक मेरा गौरव, मेरा मान सम्मान पार्टी हर चीज़ का ख्याल रखती है, क्योंकि मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ और मुझे हर जगह पे मान सम्मान मिलता है।